Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो students, MIS channel में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Business Mathematics second से Midpoint Formula. Okay, and this formula is most important for you from examination point of view. Okay, and this formula is related to the chapter Cartesian system of the rectangular coordinates. Okay, students, इससे पहले मैं आपको Cartesian system of the rectangular coordinates से internal and external division definition, section formula for internal and external division already करवा चुका हूँ, जिसका link मैंने अपने YouTube channel के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, उसी सेम टॉपिक से, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आज हम स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं इसके सीना MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम द टॉपिक कार्टेशियन सिस्टम ऑफ द रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स. आई स्टूडेंट्स, ओके, सो राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. इफ आर एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ line joining P x1 y1 and Q x2 y2. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, एक मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे. ओके, दिस पॉइंट इज P हेयर एंड दिस पॉइंट इज Q हेयर. ओके, पॉइंट P इज x1 y1 एंड पॉइंट Q इज x2 y2. ओके, एंड इन द सेम वे, देखिए स्टूडेंट्स, एंड आर दिस पॉइंट इज आर, दिस इज योर एक्स एंड वाई. ओके, इन द रेशियो एम वन रेशियो एम टू. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे आपको सेक्शन फार्मूला, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो भी मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं, और उसी शॉर्ट ट्रिक से हम मिड पॉइंट फार्मूला भी करेंगे. कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि लेट आर एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू. मिड पॉइंट जो है आर एक्स वाई, ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया पी और क्यू का. ओके स्टूडेंट्स, और देन देखिए एक बार यहां पर लिखिए, सबसे पहले देन पी आर, ओके, इज इक्वल टू क्यू आर, डेट इज आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो एम वन एंड एम टू, और ऐसे लिख सकते हैं हम इसको एम वन रेशियो एम टू. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे देन एक्स इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, इस एम वन को हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ और एम टू को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू. इसको हम स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं. ओके, जो कि मैं आपको इसका प्रूफ ऑलरेडी करवा चुका हूँ और इसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके कंप्लीट प्रूफ को देखने के लिए आप मेरे चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए. ओके, सो हियर एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल M1, देखिए M1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे M1 X2, ओके, प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2. इन द सेम वे Y इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं M1 को मल्टीप्लाई करूंगा Y2 से, यानी कि M1 Y2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे Y1 से, M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2.
ये स्टूडेंट्स हमारे आगे मिड पॉइंट, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. ओके, इसको हम सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. ओके, और अब मैं इसको ले लेता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों कंप्लीट को एक्स और वाई को, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. देखिए ऐसे इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूँ, देखिए पुटिंग एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन. देखिए स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स आर. देखिए फ्रेंड्स कैसे होंगे, अगर मैं m1 वन इज इक्वल टू एम टू को मैं 1-1 ले लेता हूं. ओके, इन इक्वेशन नंबर वन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ r, तो कैसा होगा फ्रेंड्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ r is equal to, look at here, देखिए r कैसे होंगे स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख लेता हूं, द मिड पॉइंट ऑफ r m1 की वैल्यू 1 और m2 1. यस स्टूडेंट, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू. यस स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फार्मूला. ओके, दिस इज द इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वाई ऑल्सो, एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एंड वाई. दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन पी क्यू. ओके, तो फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे कि जो सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन था हमारे पास ये है, और इसमें मैंने पुट किया कि पुटिंग m1 इज इक्वल टू m2 इन इक्वेशन नंबर वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ r आर x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. दिस इज द फार्मूला ऑफ द मिड पॉइंट. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसको कैसे सॉल्व करना है मिड पॉइंट फार्मूले को. देखिए कैसे हमने इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है मिड पॉइंट से. चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है मेरे पास. ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन है. देखिए रिलेटेड मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ ऑन द पॉइंट्स, ऐसे लिखिए ऑन द पॉइंट्स 7-6 एंड -3-4. ओके, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ PQ ऑन द पॉइंट्स लाइन, या ऐसे लिख सकते हैं हम PQ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऐसे लिखे स्टूडेंट्स आप इसको. देखिए एक लाइन है मेरे पास, ये आपके पास क्वेश्चन है या एग्जाम्पल. देखिए स्टूडेंट, दिस इज द लाइन पी क्यू, दिस पॉइंट इज पी पॉइंट इज 7-6 एंड दिस पॉइंट क्यू इज -3-4. ओके स्टूडेंट्स, हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं आर, जो कि हमारे पास क्या है एक्स और वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस बड़ा सिंपल फार्मूला है, दिस इज योअर एक्स वन. ओके, एंड दिस इज योअर वाई वन, दिस इज योअर एक्स टू, दिस इज योअर वाई टू. दो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल फार्मूला है, यू नो द फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला इज, यू नो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय. ओके, एंड दिस इंप्लाई दैट, यस स्टूडेंट्स, एक्स वन प्लस एक्स टू मीन्स सेवन प्लस
प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ओके, कोमा, यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ मैं, चलिए कोई नहीं, दिस इज योर, या मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए, दिस इम्प्लाइड डैट x इज इक्वल टू, ओके, कोमा, y इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स, y1 प्लस y2, यानी कि 6 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ओके, तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ गया आपके पास x और y के, देखिए, ओके, सो हेयर देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 बाई 2, ओके, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके, दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P and Q. The P point is 7, 6 and Q is minus 3 and 4. These are the midpoints of X and Y. So your X value is 2 and Y is 1. This is the midpoint of PQ. Okay. So yes, students, our midpoint formula. Okay. With the definition or you can say article with an examples. So I hope that you have a question both of you have come with formula. Okay. So students, इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, ओके, तो स्टूडेंट्स बताइए आपको मेरा ये फार्मूला कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।